हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नायका से मिनी हॉल वीडियो। तो आइए देखते हैं सारे ही प्रोडक्ट कैसे और किस कंडीशन में रिसीव्ड हुए हैं। मैंने बहुत थोड़े से ही प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मेरे रीपरचेसिंग भी है और कुछ फर्स्ट टाइम भी है। नायका पे चल रही थी फेस्टिव सेल, तो डिस्काउंट भी अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। ये स्मॉल डिब्बे में थोड़ा सा प्रोडक्ट निकले हैं और बड़ा वाला मैंने ओपन कर रखा था क्योंकि मुझे चेक करना था सारे प्रोडक्ट रिसीव्ड हुए हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं ये कैसे और किस कंडीशन में रिसीव्ड हुए हैं। फ्रेंड्स, इसमें बहुत प्रॉपरली पैकेजिंग करके देते हैं नायका वाले एज़ यूजुअल, और इसमें अंदर आपको रिसिप्ट मिलती है जिसमें आपको सारे ही प्रोडक्ट के रेट दे रखे हैं, और मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगी। मैंने और भी नायका की अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर कर रखी है, अगर आप चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला प्रोडक्ट है VLCC का इंस्टा ग्लो ब्लीच, जो प्री और पोस्ट के साथ आती है, और ये काफ़ी अच्छी ब्लीच है। मैं इसको पर्सनली रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, इवन अब तो फेस्टिव सीज़न ऑन हो चुका है, इसी वजह से मैंने कई ब्लीचेस ऑर्डर की थी। और उसके बाद है मेरा ब्लू हेवन से आर्टिस्टो मैट लिप क्रियॉन, जो कि 06 प्रिंसेस शेड है, और ये आता है 3.2 ग्राम, जिसका MRP 150 रुपीज़ है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट 131 रुपीज़ का मिला है। और इसमें शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स की, इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं कर रखे हैं, और ये रोल ऑन टाइप से निकलता है। इससे पहले भी मैंने इसका एक दूसरा शेड ऑर्डर किया था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने काफ़ी यूज़ भी किया था, इस वजह से मैंने इसको रीपरचेज किया। ये टोटल इतना प्रोडक्ट आपको मिलता है और डिस्काउंट थोड़ा बहुत रहता है, और वैसे भी ये 150 के हिसाब से भी वर्थ है। एंड काफ़ी अच्छी बात है, क्रियॉन है बट रोल ऑन है, तो हमें शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत से लैक्मे या बहुत से और क्रियॉन्स में शार्प करने का झंझट रहता है। ये इसका स्वॉच आप देख सकते हैं, कलर थोड़ा सा ऑरेंजी स्टोन की तरफ है, मैंने सोचा था मे बी थोड़ा डार्कर रेड होगा, बट अच्छा लग रहा है। फिर आती है मेरी नेक्स्ट ब्लीचेस, मैंने फिर अगेन एक बड़ा पैक ऑर्डर किया था इंस्टा ग्लो गोल्ड ब्लीच का VLCC का, जो प्री और पोस्ट ब्लीच के साथ आता है, जिसका MRP 125 रुपीज़ है, बट 76 रुपीज़ का मिला था आफ्टर डिस्काउंट, और ये 60 ग्राम प्रोडक्ट है, जिसकी शेल्फ लाइफ 18 मंथ्स है, इंग्रेडिएंट मेंशन कर रखे हैं, और ये स्पार्कलिंग फेयरनेस प्रोवाइड करता है, और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी पसंद आया। एक डायमंड वाला मैं अपने लिए ऑर्डर किया है, और जो गोल्ड वाला है वो मॉम के लिए ऑर्डर किया है। एंड इसमें इस तरह से प्री पोस्ट के पाउचेस आते हैं, जो कि 2 यूज़ के हैं, और ब्लीच मोस्टली 3 यूज़ में आ जाती है, क्योंकि अच्छी खासी होती है, इनफ क्वांटिटी होती है, और ये जो बहुत मुझे काफ़ी दिन से अट्रैक्ट कर रहा था, मैं बहुत दिन से इसे देख रही थी, ये है ब्लू हेवन क्रेज़ी फन, जो कि मैंने 2 मंगाए हैं, और ये काफ़ी देखने में लुक वाइज बहुत अच्छा है। इसके बैक पे सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, ये 7.5 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट है, जो 125 रुपीज़ का मिलता है आफ्टर डिस्काउंट, मुझे 112 रुपीज़ का पड़ा था। शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स की, इंग्रेडिएंट मेंशन कर रखे हैं, और ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर से प्रोडक्ट भी काफ़ी क्यूट है। इस तरीके से आप इसके कैप को फोल्ड कीजिए और प्रोडक्ट आपके सामने आ जाता है, कैप हो जाता है नीचे, जो कि काफ़ी हेल्प करता है आपको प्रोडक्ट को होल्ड करने में, और काफ़ी हैंडी भी है। और अगेन ये तो प्रॉपर ऑरेंजिश कलर ही लग रहा है। इसमें मैंने 2 शेड ऑर्डर किए हैं, जो 11 और 07 है, और ये वाला शेड है फ्रेंड्स 07 आई थिंक,
एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लू हेवन सिग्नेचर मस्कारा, जो कि आता है 10 ml ऑफ प्रोडक्ट, 150 rupees का, आफ्टर डिस्काउंट 133 का पड़ा है। शेल्फ लाइफ है 3 years की और इंग्रेडिएंट मेंशन कर रखे हैं। ये काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज भी एक इंक पेन का लुक देता है और इवन बहुत हद तक के पेन की ही तरह लग रहा है। और इसके फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं, वाटर रेजिस्टेंस, ईजी टू अप्लाई स्पेशली डिज़ाइन ब्रश, हैज़ अ लॉन्ग हैंडल दैट अलाउज ईजी एंड कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्रश इवन थोड़ा सा टिल्ड है, जो कि आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एप्लीकेशन में। देख लेते हैं इसका स्वॉच, ओ माई गॉड, इट इज़ रियली अ डार्क, काफ़ी जेट ब्लैक है, क्योंकि काफ़ी कभी कभी मस्कारा थोड़े से ऑफ ब्लैक शेड में होते हैं, बट ये जेट ब्लैक था और काफ़ी अच्छा लगा। और नेक्स्ट फिर मेरा उसी मके का सेकेंड शेड जो मैंने ऑर्डर किया है, और ये भी सेम इसी तरीके से खुलता है, बट ये थोड़ा डार्क रेड है। और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा, काफ़ी क्यूट है, गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इवन एप्लीकेशन बहुत ईजी है और अच्छा लुक क्रिएट कर रहा है। एंड ये है इसका स्वॉच, एंड ये देखिए, देखते ब्लू हेवन का नया लॉन्च नहीं कह सकते हैं क्योंकि आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। इसका शेड 11 है और पहले वाले का शेड 07 था। नेक्स्ट और मेरे लिए बहुत अवेटिंग प्रोडक्ट था ये वुड का हैंडमेड कोम जो मैंने ऑर्डर किया था। ब्रांड है इसका TS, बट ये मुझे ऊपर से थोड़ा ओपन मिला है, पूरा 100% सील नहीं था, आई डोंट नो वाई। और इससे पहले भी मैंने एक बार वुड का कोम ऑर्डर किया था, बट वो मेरे भाई ने ले लिया है। और इसमें इससे क्लेम करता है कि ये फॉर वेवी एंड स्ट्रेट हेयर के लिए है, ट्रेवल कोम है, MRP 100 rupees है, आफ्टर डिस्काउंट 72 rupees का मिला है। इसमें और भी वैरायटीज़ आती हैं, उसके बारे में बैक पे मेंशन कर रखा है। ये हैंडमेड कोम है जितना लग रहा था फ़ोटो में, लेकिन उससे काफ़ी छोटा रिसीव्ड हुआ है, और आप देख सकते हैं मेरे हैंड पे कि ये काफ़ी छोटा है, बट ट्रैवल फ्रेंडली है। और इसकी जो टीथ है वो काफ़ी इवनली और बहुत अच्छे से बना है, बहुत चिकना है, कहीं पे भी कुछ वुड का है तो फांस फांस नहीं निकली है, छोटा है लेकिन अच्छा है, हैंडी है, मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। लेट्स सी कि ये अच्छा वर्क करता है कि नहीं। ये थी मेरी ओवरऑल मिनी अनबॉक्सिंग नायका से। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल। Thanks for watching.